और ठाकुर जी घट करके क्या हुए ना आश्रम जैसे एक छोटे से बालक रूप में आगे। अब ठाकुर जी के निर्देश से यहाँ पे क्या हुआ कि जो जोग माया देवी थे उनकी कृपा से जोग माया देवी ने क्या किया ना जितने के जितने सारे के जहाँ पे जो कारागर में ना थे तो कारागर में इन्होंने क्या किया पूरा का पूरा सबको जोग माया ने सुला दिया। तो यहाँ पे गुरुदेव उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि जैसे जिस प्रकार कोई सूर्य सूर्य के उदय से क्या होते हैं ना अंधकार दूर हो जाते हैं तो ये जो लोग थे इनको अंधकार के साथ तुलना करते हैं जो कारागार का प्रहरी लोग थे तो इत्यादि इत्यादि को तो उन्होंने क्या किया जोग माया ने सबको निवृत्त कर दिया। और इनके क्या हुआ जो हाथ में और पैर में जो बेड़ी थे जो हथकड़ी बेड़ी उसको जोग माया की कृपा से वहां पे क्या हुआ टूट गया। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जब ये ले वसुदेव महाराज ले जा रहे थे तो वसुदेव महाराज कंस ने जब बोला था तो कंस को एक प्रतिज्ञा दी थी कि वसुदेव महाराज बोल रखे थे कि मैं अपने सारे के सारे बच्चे को तुमको दे दूंगा। पर यहाँ वसुदेव महाराज जो है क्या है ना पूरा सत्यवादी कभी झूठ नहीं बोलते तो इन्होंने क्या किया कृष्ण को क्या किया नंद गोकुल में क्यों छोड़ा है तो यहाँ पे प्रश्न उठता है। तो इसके उत्तर में गुरुदेव ने बताया था कि जिस प्रकार वसुदेव महाराज ये सोच रहे हैं कि चाहे मुझे नरक क्यों ना जाना पड़े ठाकुर जी के सेवा के लिए मुझे सबसे मेरा प्रतिज्ञा को नष्ट करना है प्रतिज्ञा को चाहे रहे या ना रहे मैं तो क्या करूंगा ठाकुर जी का सेवा करूंगा इसमें उनका कोई पाप या कोई असत्य जो दोष आरोप उन पे नहीं होगा। हमारे गुरुदेव श्री महाराज बताया करते थे कि जो दशरथ महाराज जी और वसुदेव महाराज जी के जो वात्सल्य प्रेम को कंपेयर करके बता रहे थे कि सबसे ज्यादा वात्सल्य प्रेम वसुदेव महाराज जी का है क्योंकि दशरथ महाराज जी ने क्या किया ना कैकेयी माता को दो वरदान दिया था और दो प्रतिज्ञा को क्या के ना पूर्ण कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि वसुदेव महाराज जी ने अपने जिस प्रतिज्ञा किया था उसको वसुदेव महाराज जी ने तोड़ दिया। और दूसरी बात गुरुदेव ने पहले बताया था कि वसुदेव महाराज जी एक दृष्टि से असत्य नहीं बोले वो बोले थे उसी श्लोक का दो अर्थ होता है एक श्लोक में तो बोले कि सारे के सारे बच्चे दे दूंगा और दूसरे अर्थ में बोल रहे हैं कि जिस बच्चे से तुमको भय है उसको नहीं दूंगा जो उससे तुम अभय हो वो सारे के सारे बच्चे मैं तुमको दे दूंगा। तब यहाँ पे जब जा रहे थे तो आकाश तो उस समय क्या हुआ था पहले श्रवण कर रहे थे आकाश पूरा निरवच्छिन्न था तो वहां पे बारिश कैसे होने लगा बोल रहे हैं कि हर जगह बारिश नहीं हुआ क्योंकि भगवान के स्वागत करने के लिए सारे के सारे तरह का ऋतु जो ग्रीष्म ऋतु वर्षा और जितने भी सब पक्षी लोग और कमल किस प्रकार से ठाकुर जी को स्वागत करते हैं ठाकुर जी आविर्भाव हो रहे हैं तो वहां पे एक खंड मेघ जहाँ पे ठाकुर जी प्रकट हो रहे थे वहां पे बस एक खंड मेघ आके वहां पे क्या हो रहा था उसी जगह पे ठाकुर जी को स्वागत करने के लिए बारिश हो रहा था। अब इससे आगे वो बता रहे हैं कि जो इन्होंने क्या किया ना वसुदेव महाराज जी ने एक ठाकुर जी को अपने सर में रख के फिर ठाकुर जी को मतलब लेके चले। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे थे कि अगर ठाकुर जी को हम केंद्रीभूत करके अगर कुछ भी करेंगे तब विशेष करके हमारा जो ठाकुर जी जो है ना वो संसार पे बेड़ी छुटाने वाले और ठाकुर जी को हम अगर ग्रहण कर लेंगे कर में ले लेंगे और ठाकुर जी को हम स्वीकार कर लेंगे ये साधारण बेड़ी ही क्या काम करेगा तो वो अपने आप खुल गया और ठाकुर जी को लेके क्या करने लगे ना जमुना जी के अंदर चले गए। जब पूरा बारिश हो रहा था तो उसी समय श्री बलदेव प्रभु ठाकुर जी को जो नित्य सेवा करते हैं वहां पे प्रकट होके ठाकुर जी को छत्र प्रदान किया और वहां पे गुरुदेव बता रहे थे कि कैसे उन्होंने जो ठाकुर जी को बहुत ऊंचे दो हाथ से ऊपर उठा के बोले कि ले लो कोले 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 कोई हो तो ले लो कोई हो तो ले लो कोई हो तो ले लो ऐसा उच्चारण किया तो अभी भी ब्रज में वही जगह है कोई ग्राम है जिसको जिसका नाम उसी वजह से कोले हो गया। तो इन्होंने क्या किया एक ही समय पे गुरुदेव बता रहे थे कि देवकी माता भी एक ही समय पे और यशोदा माता भी एक ही समय पे क्या थे ना उसका आगे बोल सकते हो उसका आगे क्या है हाँ बोलो उसका आगे क्या हुआ हाँ तुम बोल सकते हो बड़ा पंडित जी हाँ राहुल भैया आपको बोल रहे हैं हाँ वो बोलो क्या बोल सकते हो हाँ तो तुम बोलो सकते हो
ये पता नहीं इसीलिए किधर किसी लिए आते हो, जो कम से कम जो सुनते हो उसको तो पड़ कर ना सारा दिन कोई काम धंधा है नहीं, घर में बैठ बैठ करके कोई काम धंधा नहीं। अगर इतना हम कोशिश करते हैं तुम लोग जैसे सीख करके आओ हैं तो आते हैं कैसे, इतना कम से कम जो सुने तो उसने को देख करके आनी चाहिए। बोलो तब इन्होंने क्या किया? वहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जैसे भगवान राम को समुद्र ने क्या दे दिया, रास्ता दे दिया लंका जाने के लिए, भगवान जब रास्ता मांगे समुद्र ने रास्ता दे दिया, कहते उसी तरह ये यमुना देवी भी अभी कृष्ण को पार करना है इसलिए यमुना देवी भी ठीक ऐसे ही यमुना भी ठाकुर जी को रास्ता दे दिया। पर कैसे उन्होंने चरण स्पर्श कैसे किया मैं बताया था, नहीं राम वाले नहीं बताया था, लेकिन जो चरण जो स्पर्श जैसे पीछे से हाँ कुत्ता कहाँ से कुत्ते के पीछे पागल जो माया हरे कृष्णा इसलिए हाँ बोलो यमुना कैसे आगे इतने में कहीं कहीं यहाँ पर नहीं कहीं कहीं बताया जैसे जोग माया वहाँ पर सियार बन करके आगे और सियार बन करके आगे आगे चल रही थी। जब चल रही थी वसुदेव महाराज ने देखा पानी इतनी सी केवल पानी है, फिर उनको पीछे 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 ठाकुर जी को लेकर चले गए। बोलो उसके बाद में क्या हुआ? फिर वसुदेव महाराज ने क्या कृष्ण को लेके उनको अंदर में पता ही नहीं चला कि अंत रूपी कृष्ण को लेके वहाँ पे उनको पहले ही ठाकुर जी ने बोल रखे थे कि वहाँ के जो जोग माया देवी वहाँ पे एक साथ में ही कृष्ण पहले जन्म हुए फिर उसके बाद जोग माया देवी भी जन्म हुए यशोदा माता के गर्भ से। तो ये अंत रूपी कृष्ण को जब वहाँ पे रखा तो जो पूर्ण कृष्ण और अंत कृष्ण मिल गए और इनको पता ही नहीं चला जोग माया के जो कृपा थे इनको ये विशेष रूप में पता नहीं चला। और उन्होंने क्या किया वो जो देवी जो जो वहाँ पे जो प्रकट हुए थे जो माया जन्म ले थे उनको लेके बाद में इन्होंने क्या किया यहाँ पे आ जाते हैं मथुरा उनको कारागार में ले आते हैं। अब यहाँ पे गुरुदेव बता रहे थे एक श्लोक में कि यशोदा नंद पत्नी चम जातम परम हाँ बोलो यशोदा नंद पत्नी चम जातम परम नदर लिंग परिश्रांतम नंद यहाँ पे बता रहे हैं कि यशोदा माता को यहाँ पे विशेष रूप में कोई कष्ट नहीं हुआ। यहाँ पे टीका में बता रहे हैं कि विशेष रूप में कष्ट नहीं हुआ जैसे हर तरह के जो माता ने गर्भवती अवस्था में जो जन्म देते हैं प्रसव करते हैं उसी प्रकार का उनको प्रसव पीड़ा नहीं हुआ। साधारण रूप में ठाकुर जी जब आए तो यहाँ पे बताए वो निद्रित अवस्था में थे लेकिन उनको पता चला कि उन्होंने जन्म दिया है लेकिन ये पता नहीं चला कि उन्होंने कोई लड़का पुत्र या पुत्री उनको ये पता नहीं चला लेकिन उनको थोड़ा सा ये आभास हो गया कि उन्होंने जन्म दिया और उनको बड़े आनंद हो गया कि ठाकुर जी उनके गर्भ से प्रकरण जन्म दिए। तो उनको जोग माया देवी ने ही सब किया जोग माया से कृपा से क्या हुआ वहाँ पे सारे के सारे व्यवस्था था। जोग माया देवी जैसे यहाँ पे गुरुदेव उदाहरण देते हैं ये ठाकुर जी मिल कैसे गए कि जैसे आकाश में कोई जैसे बिजली आ जाता है जैसे बिजली आके वहीं मिल जाते हैं वही वही समय में भी क्या हुआ जो अंत रूपी कृष्ण और जो मूल कृष्ण थे जो पूर्ण कृष्ण कौन सा श्लोक है मिल गए कौन श्लोक है ना वहाँ पर श्लोक लिखा नहीं श्लोक मैंने तुमने बोला नहीं था पहले मैंने बोला था श्लोक बोला था यहाँ पर खत्म हो गया क्या और कुछ बोला था और तो बहुत कुछ बोला था मंदिर हाँ इनको दे दो आ जाओ क्या बोलो हाँ आ जाओ मैंने सवेरे क्या बोला याद नहीं अब याद है प्रभु जी इसको बाद में यहाँ जहाँ पर छोड़ दिया उसको बाद में क्या हुआ अभी जहाँ पर छोड़ दिया मंदिर हाँ तब उसके बाद में क्या बोला मैंने उसके बाद में बहुत मैंने बोला हाँ हमारे जनार्दन ने बोला आगे क्या तो तुम लोग तुम देखो देखो क्लास को इतने ढीला ढाल देने पर ना सीख नहीं सकता कम से कम हम जब सवेरे को जो कुछ बोलता हूँ
शाम को उसको पूरा अच्छे तरह से उसको पढ़ कर अच्छे तरह से आना। यहाँ आना नहीं केवल आए और देखो यहाँ पर अभी हमारे को इतना सेवा होगा कुछ नहीं, कम से कम जितना हम चाहते हैं तुम लोग उसने सीख जाओ पूरा। इस समय सीखोगे फिर कैसे सीखोगे, कम से जितने क्लास हम बोलता हूँ जब आओ इतना क्लास हो कम से कम पढ़ करके आओ। तुम लोग तो लिखे बड़े लड़के हो, इतना तो कम से कम पढ़ करके आनी चाहिए, ऐसे नहीं आना। और जो कल सवेरे हैं पूरा प्रथम स्कंद का हम सुनेंगे, इसलिए रात में सो और मत सो, मैं पूरा प्रथम स्कंद को कल सुने, क्योंकि प्रथम स्कंद समाप्त हो गया है, प्रथम स्कंद समाप्त हो गया, इसलिए उसका जो श्लोक हमने बताया सारे श्लोक नहीं है तो बीच बीच का श्लोक और जितने प्रसंग है कल सवेरे हम थोड़ी ज़्यादा समय हम लेंगे, कल हैं 2 घंटा समय लेंगे और सबसे हम प्रथम स्कंद सुनेंगे। इसलिए कल जब सवेरे आओ एकदम प्रिपेरेशन हो करके पूरा अच्छे तरह से कल सारा सुबह का सवेरे का नहीं नहीं इसको रे इसको उन्होंने तो बहुत कुछ सुना दिया, शॉर्टकट में सुना था उसके बाद का। हाँ इसके बाद का, उसके बाद में हरे कृष्णा, उसके बाद में जो बताया कि जब कृष्ण का जन्म हो गया जैसे अभी सुना हमने कि यशोदा माता जी को कोई पीड़ा नहीं हुई, केवल बेटा बेटा एहसास हुआ और उसमें भी एक आनंद की अनुभूति थी। फिर कैसे जो माया के प्रभाव से गुरु जी ने जैसे बताया था कल कि वो बोले कि हम आपको कैसे लेको पूर्व जन्म की कथा सुनेंगे, उसे इतना बोला कि बस मेरे को कृष्ण ने बोला कि मेरे को शीश पे रखो तो सारे के सारे हथकड़ी अपने आप खुल जाएंगे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, पहरेदार अपने आप सो जाएंगे, सब काम अपने आप हो जाएंगे। गुरु जी ने यह शिक्षा दी थी हम कृष्ण को आगे रखकर जो भी कार्य करेंगे तो हमें उस कार्य में अपने आप सिद्धि सफलता मिलती चली जाएगी। इस प्रकार वहां पे वसुदेव महाराज वहां पे लेकर के गए हैं कृष्ण को और जो यमुना को जब पार करे तो यमुना जी बहुत तूफान दे रहे हैं। वहां बताया कि केवल एक ही बादल एक ही प्रकोष्ठ में केवल बादल छाए हुए थे, चंद्रमा उदित थे और एक ही प्रकोष्ठ में बादल छाए हुए थे, रिमझिम वर्षा हो रही थी क्योंकि कृष्ण का वर्ण बादल के जैसा है, श्याम वर्ण का, इसलिए बादल प्रसन्न होकर के प्रकोष्ठ में वर्षा कर रहे थे। और दूसरी ओर जब रिमझिम बारिश हो रही थी तो जो अनंत देव है उन्होंने छत्र रूप में कृष्ण की सेवा करी, उनकी रक्षा करी। इस प्रकार कृष्ण और वसुदेव कृष्ण को लेकर के चल रहे हैं, जब यमुना किनारे आए हैं तो यमुना बहुत उफान ले रही है, बड़े बड़े भंवर लहर उठ रही है क्योंकि यमुना जी कौन है, कृष्ण की पटरानी भी है और यमुना जी कृष्ण की सखा भी सखी भी है कृष्ण की, इसलिए वो कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती है। तो कृष्ण ने देख करके क्योंकि जो पानी जो है वसुदेव के से उठते उठते छाती तक छाती गले तक पानी शीश तक जब आ गया तो देखा कि बहुत वसुदेव ने घबरा करके पता नहीं क्या होगा मेरे लाला को कुछ होना जाए तो कोई ले लो मेरे लाला को कोई ले लो, इसलिए वहां ब्रज में ब्रह्मांड घाट के उस पर एक गाँव भी है जिसका नाम है कोले। और इस प्रकार जो वसुदेव महाराज है उनको जब देख करके कृष्ण की कहीं पानी जो है वसुदेव महाराज को क्षति ना करे उनके पिता है, कृष्ण अपना चरण बाहर निकालते हैं, यमुना जी चरण को स्पर्श करके एकदम शांत हो जाती है। इस प्रकार किस प्रकार वसुदेव गोकुल में जाते हैं और वहां जाकर के बताया कि जो ये अंश रूप में जो यहाँ पर कृष्ण है अंश जो है यहाँ पर वो जाकर के पूर्ण में वहां मिल जाते हैं, जैसे बिजली चमक करके चली जाती है ठीक उसी प्रकार वहां वर्णन किया कि कृष्ण जी ने भगवान ने बताया जैसे बिजली चमक के अंदर ध्यान हो जाती है उस प्रकार वो उसमें समा गए और वहां किसी को भी पता नहीं चला। और वहां कृष्ण की एक छोटी बहन ने भी वहां जन्म लिया है जो माया जी ने, जैसे कि गुरु जी ने तो उदाहरण बताया था कि क्या कृष्ण की छोटी बहन जो माया है इसका कोई उदाहरण है, तो उसके बाद दो तीन उदाहरण दिए थे और उसमें मेरे को दो तो याद नहीं है, तीसरा जो भागवत से था उसमें यह था जब ये वापस लेकर के गए हैं जब वो कन्या को जब सांबिका वहां शिव जी ने बताया रुद्र जामल में सांबिका माने वसुदेव महाराज जी जो है अंबिका को लेकर के वापस गए थे, अंबिका कौन है और ये कृष्ण की छोटी बहन हो कैसे गई, तो वहां यशोदा माता जी ने दो बच्चों को वहां जन्म दिया था, पहले कृष्ण हुए उनके बाद में उनके अनुजा ये योग माया जी वहां पर हुई थी। उनको लेकर के जब वसुदेव वापस गए हैं वापस हथकड़ी बन गई है वापस आकर के वो महल में आ गए हैं और जैसे ही वो कन्या देवकी के गोद में गई है उन्होंने जोर जोर से रोना चालू किया है, अभी तक तो कुछ रोना नहीं हुआ था लेकिन जैसे ही वो कन्या गई है जोर जोर से रोना चालू हुआ जिसकी आवाज सुन करके सारे पहरेदार जो सो रहे थे वो घबरा गए क्योंकि ये कौन सा गर्भ है, ये अष्टम गर्भ है। और बताया कि ये पहले ही कृष्ण ने जन्म ले लिया था, माने जैसे जो बच्चा नॉर्मली जो होता है वो 9 महीने 18 दिन मैक्सिमम दिन होता है लेकिन
जो कृष्ण ने जन्म 8वें महीने में वहां पर जन्म ले लिया, इसलिए किसी को अंदाजा नहीं था कि जन्म हो जाएगा। इसलिए पहरेदार सब जो है वो डर गए और जाके कंस को बताया, कंस वहां पर आए हैं और वो कन्या को देखकर कंस घबरा गया कि यही वो काल है। कंस तो बिल्कुल डरा हुआ था। यहाँ तो बोलने की बात है, वहीं पर ये कर डिस्कशन कर रहे हैं। अष्टम गर्भ सोची कंस तो पहले डरा पड़ा था, लेकिन जब यहाँ पर आए तो जब कंस ने जब वो कन्या को गोदी में लिया, कंस उनको मारना चाहता है। कंस जब छीन रहे देवकी से तो देवकी माँ उस बच्ची को बचाने की बहुत कोशिश कर रही है। यहाँ प्रश्न उठाया कि अब तक तो 6-6 पुत्र थे, उनको बचाने के लिए जो देवकी जी ने जो चेष्टा करी थी या अधिक चेष्टा करी, बहुत ज्यादा अधिक चेष्टा करी। तो बोला था क्यों चेष्टा करी, वो लोग बोलेंगे क्यों चेष्टा करी। उन्होंने पहले तो 6-6 बच्चों को मारा कंस, चेष्टा तो की थी उतना नहीं, लेकिन ये लड़की को बचाने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा प्रचेष्टा की। किस लिए की? क्योंकि लड़की रुको तो तुम बोलो बोलो। अरे यहाँ पर टीकाकार ने दो कारण बताए हैं। एक कारण ने बताया कि अगर जो कन्या थी वो उनकी नहीं थी, वो किसी की धरोहर थी, और जब किसी भाई अपना सामान है कोई चीज खोजा तो खोजाओ, क्योंकि टेंशन इसमें हमारी है, और अगर दूसरी की चीज हमारे पास रखी है तो उसमें अगर खोरी है तो दूसरे की चीज वो खोरी है, और दूसरे की चीज को रखना हमारा दायित्व है। इसलिए वे चाह रहे थे हमारा पुत्र गया तो गया कोई बात नहीं, परंतु उधर से कन्या आई है पर इसको हमें रखना हमारा बचाना इसका दायित्व है, क्योंकि दूसरे की है। दूसरा कारण इसमें बताया कि बहुत कोशिश की उनको बचाने के लिए। ये भी कहा कि ये जो कन्या है इसको क्यों मार रहे हो, ये कन्या तो बड़ी होकर के आपके पुत्र वधु बनने योग्य है। कंस को पूरा का पूरा दिया कि ये जो कन्या है बड़ी होकर के आपके पुत्र वधु बनेगी, इतना बचाने की वो बड़ी कोशिश करी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, वो किसी प्रकार से कन्या को बचाना चाहती है, क्योंकि उनको पता है ये कन्या हमारी नहीं, ये कन्या किनकी है, वो नंद गांव से लेकर के नंद बाबा की कन्या। अगर उनको किसी दूसरे की चीज होती है ना तो हमें बड़ा सलाह, हमारी चीज चोरी हो जाए कुछ हो जाए तो हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन किसी की कोई चीज हो हमारे पास में खराब हो जाए चोरी हो जाए तो हमें बड़ा डर लगता है कि भाई उस व्यक्ति को हम क्या बोले। इसीलिए देव की बहुत चेष्टा करें। और दूसरा ये कि उनको ये भी पता है कि हम हमारा पुत्र वहां रख करके आए हैं और ये कन्या को यहाँ लेकर के आए हैं, जब बाद में हम उनको कन्या लौटाएंगे तभी तो हमें पुत्र वापस देंगे, हम कन्या नहीं लौटाएंगे तो पुत्र को देंगे वापस। इस कार्य दो कारण यहाँ बताए थे टीकाकारों ने जो हमने श्रवण किया। उसके बाद में कंस जो है कन्या को लेकर के, और जैसे ही उनको मारने की चेष्टा करता है, वो कन्या जो है सातद हस्तात् सत्य देवांगरं गदा दर्शतानुजा विष्णु सायुध अष्ट महाभुजा, वो कंस को लात मार करके, ऐसा लात मारा ना कंस जाकर दूर जाकर के गिरा वो कन्या, इतनी जोर की वहां लात मारी है, और जाकर के वो देवी जो है वो कन्या छूट करके आकाश में जाकर के सायुध अष्ट महाभुजा, अष्ट भुजा लेकर के और तलवार त्रिशूल चक्र बहुत सारे वहां पर अस्त्रों के साथ में जो है देवी वहां प्रकट हो गई। इसको देख करके कंस बहुत डर गया, बहुत डर गया, और देवी ने क्या बोला, मूर्ख कंस तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। बताया कि गुरुजी यहाँ बताते थे कि अन्यत्र जन्म ले चुका है, माने ये बात सही है, कृष्ण मथुरा में जन्म नहीं लिया, अन्यत्र माने गोकुल में कृष्ण ने जन्म लिया है। इस प्रकार वो देवी ने जब बोला कि अन्यत्र जन्म ले चुका है तो कंस घबरा गया, डर गया, और वहां पे कंस ने क्या करा कि अब देवकी को प्रार्थना करना कि देखो, वो कंस को ये लगा कि देखो मेरे जो मेरे को मारने वाला तो जन्म ले ही चुका है, मैंने जबरदस्ती वसुदेव देवकी को जेल में रखा, इनको इतना कष्ट दिया, इतना इनको पीड़ा दी, इनके 6-6 पुत्र मार दिए, मैं कैसा मूर्खना। वो कंस जो है वो देवकी को सांत्वना दे रहे थे, देखो देवकी ये शरीर तो क्या है, नश्वर है, पर आत्मा तो नश्वर नहीं है, आत्मा तो अमर है, आत्मा तो कभी नहीं मरती है। तो बताया देखो दुष्ट भी ऐसा ज्ञान देते पूरा वहां पे पूरा, जैसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, सूक्ष्म शरीर आत्मा सारा का सारा वहां पे कंस ज्ञान दे रहे, जिसको सुन करके जो देवकी है वो तो सब वैष्णव वैष्णव है ना, देव तो हृदय बड़ा सरल होता है वैष्णव का, संत हृदय नवनीत समान, वह उनको कंस को माफ भी कर दिया। मैं परमेश्वर को एक बात बता रहे थे कि जैसे कंस ने देखा ना कि वो देवी प्रकट हो गई है, वो अधिष्ठात्री देवी है कंस की, कंस किसकी पूजा करता था, वो देवी की पूजा, कंकाली देवी की पूजा करता था, कंकाली देवी की पूजा करता, उन्होंने जैसे ही देखा देवी प्रकट हो गई ना तो घबरा गया कहीं, और उसको पता मैंने पाप तो किया है, कहीं ये देवी अस्त्र शस्त्र लेकर के आ रहे, कहीं मेरा गला ना काट दे, इस डर से वो बहलाने पुजलाने के लिए वहां पर वो स्तुति कर रहा है, किसकी, वो देव की वासुदेव को सांत्वना दे रहा है, गीता का ज्ञान बोल रहा है।
इस प्रकार से सुबह हमने कथा श्रवण करी, कितने याद है 500 और उसके बाद में क्या हुआ? फिर उसने सबको बुलाया, सबको बुला कर क्या किया? सबको बुलाया, कंस ने सबको बुलाया, जितने उसके मंत्री थे, केशी, अघासुर, बकासुर, जितने भी थे, चाणूर, मुष्टिक, उसमें विशेष करके चाणूर मुष्टिक की उसके बड़ी मंत्रणा देते थे, सबको बुला करके बोला कि अरे वो तो अन्यत्र जन्म ले चुका है, कहाँ जन्म लिया हूँ? अब जन्म लिया है तो पिछले मुझे बताया उसको बोलते 1 महीना 10 दिन उसको बोलते देखे गुरु जी ने बताया 10 दिन में जितने बच्चों ने जन्म लिया उन्हीं में से होगा। उन्होंने बोला ऐसा कुछ क्यों ना किया जाए कि जो 10 दिन में जितने बच्चे हैं सभी को मार लिया जाए, उससे क्या होगा कि जो कारण भाग पैदा हुआ होगा वो भी मार जाएगा। और क्या बोला था? इसलिए 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 हाँ इसलिए बोला था। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरां धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरनुकुलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीसह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायनसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदर श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोगों ने पहले श्रवण किया था जिस समय वो आकाशवाणी ने उन्होंने अष्टभुजाओं को धारण करते हुए जो बोले हम ये भी सुने थे। कंस जी ने देखा ये मेरी आराध्या देवी, ये कंकाली है, ये तो कभी झूठ बोलेगी नहीं। तब यहाँ पर कहते उन्होंने ये अष्टभुजा रूप क्यों धारण किया? वो जिस रूप में थे उसी रूप में बोल सकते थे, लेकिन उनको कंसों को विश्वास दिलाने के हैं कि बात कभी झूठी नहीं है, सच है, तेरे को मारने वाला अन्यत्र जन्म ले चुका है, इसलिए इस चीज को विश्वास करने के लिए। अभी कंस ये चक्कर में पड़ गया, कहती ये मेरे तो देवी, लेकिन देवकी ये साधारण एक स्त्री है। अभी एक साधारण स्त्री की गर्भ में ये मेरे देवी कैसे प्रकट हो गई? उनको ये बात बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं तेरे काल और कहीं बन गया, इसलिए तुम वृथा इनको पर में कोई अत्याचार को मत किया करो, हैं ये पाप लग गया, इसलिए मिथ्या अत्याचार को मत करो। फिर उनको पूरा पूर्ण विश्वास हो गया। अभी तक कंस डर गया। फिर हम लोग ने सुना, फिर जा करके देवकी वसुदेव के चरण में उन्होंने माफी मांगे, हैं हमने ये सब गलत काम किया है तो माफ कर दो। लेकिन वसुदेव महाराज देवकी तो अंदर की बात पता है, क्या अपना बेटे को हमने
गोकुल में हम छोड़ करके आए, हमारा बेटा सुरक्षित है। इतने में कंस फिर अपना अनुजाइयों को बुलाता है, सबको बुलाता है। बुला करके कहता है अभी मुझे क्या करनी चाहिए। और जितने उसका जो मंत्री लोग थे ना, वो मंत्री लोग क्या कहते हैं, अरे ये तुम्हारे क्या बिगाड़ सकते हैं, ये देवता लोग तो हर समय तुम्हारी हाथ जोड़ कर तुमको प्रार्थना करते हैं, अब तुमको माफी करते करे। और जो ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा तो बूढ़ा हो गया, इसका अंदर कोई ताकत नहीं है, ये तो बूढ़ा हो गया। शंकर जी ये तो हर समय जंगल में तपस्या करता है, वो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। कहते इंद्र और हीन दुर्जय वो क्या तुम्हारे, हाँ ये जो विष्णु है ना, ये सबका ऊपर ये विष्णु है, इनके अनुगत्य में सारे देवादेवी रहते हैं, ये विष्णु को थोड़ी डर भाई। लेकिन एक काम करनी चाहिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। एक काम करो, ये जो विष्णु ये देवता बढ़ते हैं कैसे, चूंकि इनको जो ब्राह्मण लोग हैं जो साधु लोग इनको जैसे हवन में घी डालते हैं, विष्णवाय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा स्वाहा करते हैं और उसको फल मूल खिलाते हैं, वही खा खा करके ना ये विष्णु बलवान हो रहा है। इसलिए एक काम करो, इस सब चीज़ को खत्म करो, खत्म करो। बोले उसको उसको बोले विप्रा, ये ब्राह्मण यही तो पूजा पूजा करते हैं ना, बोले गावर जो गैया दूध देते हैं गैया, तब तो ये विष्णु घी पी पी कर मोटा हो रहा है ना, है। और फिर कहते वेदा, कहते जो वेद है, कहते ये तप सत्य समम तप समम, इसलिए श्रद्धा दया तितिक्षा कर्तव्यश्च हरेश तनु। कहते ये जितने सारे कौन है भगवान की, ये तनु है भगवान की, ये शरीर, अरे इनको सबको अत्याचार, इतना हरे भरे पेड़ पौधा को काट डालो और गाभी को ऊपर अत्याचार करो, संत ब्राह्मण को अत्याचार करो, बस ये तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया तो हो गया। इसलिए पर यह कहते बोले आयु श्री अजसो धर्म लोकानाम शिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुष्य महत अतिक्रम। जिस समय किसी महत व्यक्ति का अतिक्रम होता है, जब ज्यादा पाप करते हैं ना, गो गोबर में, ब्राह्मण गोबर में, वेद गोबर में, भगवान कहते सभ्य अशुभ नश्यति, उसी समय अगर इनको पर कोई अत्याचार ज्यादा होता है, भगवान कहते संबल में भी ध्वंस करता है। ये धर्म की ये सब मूल है, अगर ये धर्म को पर कोई अत्याचार करे तो उसका नुकसान क्या है, बल उसका आयु धीरे धीरे, उसका जो आयु धीरे धीरे घटने जाएगी। उसके बाद में श्री, उसका जो श्री श्री भी धीरे 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 ये भी घटते जाएगी। कहते जसो, कहते उसका जो जस है वो धीरे धीरे ये जस भी नष्ट होता जाएगा। धर्म, कहते जितने धर्म ये सब के सब नष्ट होता जाएगा, हाँ। इसलिए कहते अंत श्रेयांश सर्वानी, लास्ट में उसको विनाश हो जाता है अगर इनको पर कोई अत्याचार करे तो। इसलिए उन्होंने पूरा के पूरा इन लोगों ने सब के सब अत्याचार करना शुरू कर दिया, इनको पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अभी हम लोगों ने सवेरे हम लोगों ने यहाँ तक प्रवेश किया था, उसके बाद में हम सुनेंगे जब कृष्णा गोकुल में जब कृष्णा जन्म हो गए, जन्म होने पर श्री सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी 18 श्लोक में उन्होंने नंद उत्सव को उन्होंने वर्णन किया। हम तो 18 श्लोक नहीं सुनेंगे, 4-5 श्लोक सुनेंगे, इसका जो मेन मेन श्लोक सुनेंगे, अब तुम लोग भी श्लोकों को सीख लेना है। कहते नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जातालाद महामना आयो विप्राण वेदाज्ञ स्नास सुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्म आत्मस्य वै काराय मास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। कहते कृष्ण जन्म होने पर तब वसुदेव महाराज ने इसे नंद बाबा ने किया, क्या बोले नंदस्तु आत्म जाता हाथ महामन। हम लोगों ने पहले श्रवण किया था जे कृष्ण जो नंद नंदन है कृष्ण, ये है इसका प्रमाण किया है। इसलिए ये जो श्लोक है कहते नंदस्तु आत्म जाता हाथ महामना, कहते नंद के ये बेटा होने पर कहते महामना जो श्रेष्ठ मना जो नंद बड़े प्रसन्न। यहाँ पर और एक अर्थ कहते हैं कहते नंद तू हो आत्मज, कहती ये वसुदेव का था नंद, वहां पर तो प्राकट हुए हैं
लेकिन होने पर भी उनका आनंद क्या मिला? उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाए वहां पर, हैं, कुछ भी नहीं कर पाए। एक तो कृष्ण को यहाँ रख कर गए और वहां पर उन्होंने जैसे ये बात किसको पता नहीं चले, हम राता राते अपना बेटे को हमने रख करके आए और उत्तम बात और किसको पता नहीं ना, देवकी वसुदेव को छोड़ करके ये बात किसको पता नहीं, तो चुपचाप गुम सुम रहे, ये कंसों को भनक तक भी नहीं लगे, हमने राता राते कृष्ण को देख रखे कहाँ गोकुल में हमने छोड़ देगा आगे, क्योंकि अगर पता चलेगा ना फिर कृष्ण को ऊपर फिर वो अत्याचार करना शुरू कर देगा। इसलिए नंद भगवान बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर आयु व विश्राम उन्होंने ब्राह्मण को बुलाए, हैं, उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मण को बुला करके हैं स्नात सुचिर अलंकृतम उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृष्ण को जैसे स्नान कराया और उन्होंने सबको उन्होंने बड़े सुंदर अलंकार दे करके सबको उन्होंने स्वागत किया है। पाचयित्वा स्वस्थयनम, हम पहले सुन थे ना कृष्ण जब गोकुल में जन्म हुए, नंद जब श्री किसको सुनंदा को जब पता चला सवेरे सवेरे जब उन्होंने आँख खोली देखा मैया जसोदा की गोद में एक किलकारी मारते हुए एक बालक किलकारी मारते हुए खेल रहा है, उसने सोचा सबसे पहला खबर श्री नंद बाबा को देनी चाहिए, फिर मेरे को नवला की हार मिलेगी, हैं, इसलिए जब उन्होंने नंद बाबा को जा करके बोला, नंद बाबा भागते भागते वहाँ से आए, प्रसन्न होकर के भागते भागते आए और कितने कठोर उन्होंने तपस्या दान पुण्य और उन्होंने क्या किया नहीं किया था घर में कि लाला की जन्म हो जाए, लेकिन जब पहला बार उन्होंने लाला का मुख दर्शन किया इतने प्रसन्न इतने खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। तब यहाँ पर श्री टीकाकार यहाँ पर विश्वनाथ चंद्र कहे यहाँ पर बहुत सारे लोगों यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं, कृष्ण नंद के लाला है, कृष्ण नंद की लाला है। देखो यहाँ पर ये चीज को नोट करके रखो, कहते इसमें क्या प्रमाण किया है, हाँ, एक नियम है जब बच्चा कोई जन्म लेता है उसका नाड़ी काटा जाती है, जो नाड़ होता है ना उसको काटते हैं, काटते हैं ना, इसलिए नाड़ काटने से पहले कहते जो दान दी जाती है वो दान को अक्षय दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। इसलिए गुरुदेव हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे कोई भी ब्रजवासी कभी नहीं बोलेगा कृष्ण वसुदेव का बेटा है, बोले क्यों, देखना जब बच्चा जन्म होता है वहाँ पर कौन रहते हैं, बड़ी बूढ़ी माताएं बच्चों को जन्म दिलाते हैं, उनके जो मदद करने वाले बड़ी बूढ़ी माताएं होती हैं वहाँ पर, और जो बड़ी बूढ़ी माताएं हमारे देश में जो सामूक होता है उससे नाड़ी को काटते हैं, छुरी से नहीं चाकू से नहीं, एक सामूक होता है उससे नाड़ी को काटते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो बड़े बूढ़ी ब्रजवासी बोलेंगे क्या हमारे लाला मथुरा में प्रकट हुए, क्योंकि जो बच्चा जन्म होता है जो नाड़ है माता की गर्भ में जुड़ी रहती है माता की गर्भ में जुड़ी रहती है, इसलिए कृष्ण जब जन्म हुए तब उन्होंने देखा इसका जो नाड़ मैया के गर्भ के साथ में जुड़ा हुआ है और उन लोगों ने नाड़ी कहा, बोले हमने अपना आंखों से देखा मैया जसोदा की गर्भ से जन्म हुआ, अपना हाथों से हमने नाड़ी काटी, अब कहते हो कृष्ण मथुरा में जन्म हुए, नहीं, कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, कृष्ण गोकुल में, और उसको पहले जब नाड़ी छेदन से पहले नंद बाबा जब आए उन्होंने संकल्प किया, बोले क्या संकल्प किया, पर ब्राह्मण को मैं 20 लाख गया में ब्राह्मण का दान दूंगा और 7 तिल का पर्वत मखमल वाले कपड़े में ओढ़ करके मैंने ये ब्राह्मण को दान दो, उन्होंने संकल्प किया है, ये संकल्प उन्होंने लिया है। इसलिए यहाँ पर पहला क्या प्रमाण है, नारी जन्म हुई, ये पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण क्या है, संकल्प लिया। तीसरा प्रमाण दान। इसलिए फिर यहाँ पर जो श्लोक है कहते यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण नंदन नंदन भागवत में बहुत बार चीज को प्रयोग हुआ, जैसे अदृश्य तनुजा विष्णु है, अभी जो यहाँ पर बताए जिस समय ने पछाड़ कंस मारने के लिए गया उसने कंस को लात मार करके आकाश में उड़ी गई, इसलिए कहते अदृश्य तनुजा विष्णु, विष्णु की जो अनु मतलब कृष्ण पहले जन्म हुए उसको बाद में ये जोगमाया जन्म हुई, इसलिए उनको छोटी बहनी, ये जोगमाया उनकी छोटी बहनी, इसलिए विष्णु तनुजा यहाँ पर एक श्लोक है। तो दूसरा श्लोक क्या है, कहते प्राग अयम वसुदेवस्य बोलो क्वचित जात तबात्म, इसको एक एक नोट लिख कर रखो क्या देख रहे, इसलिए क्या है प्राग अयम वसुदेवस्य, कौन कह रहे बोलो, कुछ कुछ नहीं तुम लोग इतना बार सुन करके पता नहीं, इसलिए जब गर्गाचार्य जी
जब उन्होंने कृष्ण का नाम करने करने के लिए आ रहे थे गर्गाचार्य जी, आप लोग भी थोड़ी थोड़ी समझो, ये हमारे शास्त्र के थोड़ा गहरा अर्थ है, ये थोड़ा कृष्ण गोकुल में जन्म, ये नंद के लाला है। साधारण लोग क्या कहते, वसुदेव का बेटा मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए, बोले नहीं, कृष्ण गोकुल में जन्म हुए, प्रकट तो वहाँ पर हुए, यहाँ जन्म हुए। तो भागवत के प्रमाण देते हैं, जब श्री गर्गाचार्य को वसुदेव महाराज भेज रहे थे, कहाँ पर, बोले गोकुल में भेजे, बोले आप थोड़ी सी गोकुल में जाओ, क्योंकि आप तो त्रिकाल दृष्टा सब आप जानते हो, लेकिन कृष्ण तो मेरा ही लाला है, हैं, मैंने रात रात वहाँ पर रखकर गाया था, त्रिकाल दृष्टा आप सबको सब बात पता है, इसलिए आप वहाँ पर जाओ, जा करके मेरे बेटा का जब नाम रखोगे, ऐसे एक नाम रखना जो कि मेरे साथ में मिलता जुलता एक नाम हो, हैं, ऐसे नाम रख लेना, क्योंकि बच्चा का जब पहला बार नाम हो जाता है, उसके बाद में फिर नाम उसी नाम से घर में उसको बुलाते हैं। अगर उसका और कोई और नाम रह जाएगा फिर तो नंदो होगा, क्योंकि पहले जो नियम होता था, जो बेटा का जब नाम रखते थे, भाई टुल्लू पुल्लू टिक्की फिक्की और ये सब नाम नहीं रखते थे, कैसे नाम रखते थे, वो नाम उसको पिताजी और उसको पिताजी, ये दोनों पिताजी का नाम जुड़ा हुआ नाम रखते, पहले ऐसे होता था, जैसे भगवान राम का नाम है, हैं, पहले क्यों बेटा कौन होता है, अपना वंश को जो आगे बढ़ाता है, इसलिए उन्होंने जैसे भगवान राम है, कहते राम का पिताजी का नाम क्या था, दशरथ, इसलिए दस र, ये जो र, ये चीज को नोट करके रखो, जैसे कैसे कैसे नाम, ये जो र है ये दशरथ महाराज का र से र लिया, इसलिए राम का पहला अक्षर र रा, फिर उनका पिताजी का नाम था आज, इसलिए वहां से लिया अ, इसलिए यहाँ क्या नाम पड़ा, रा और म, हैं, फिर कृष्ण, इसलिए वसुदेव महाराज कह रहे कृष्ण, इसलिए कृष्ण के पिताजी का नाम क्या था, नंद, उसमें जो स्ना है कृष्ण स्ना में जो ना है नंद बाबा से लिया ना, कहते उनका पिताजी का नाम क्या था, परजन्य, तो वहां से लिया फिर रा, क्री का में जो री मात्रा, का में जो री मात्रा वो वहां से लिया उनसे, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, कृष्ण, मतलब उनके पिता और उनके पिता को नाम को साथ में इनका जुड़ा हुआ, पहले ऐसे ही विचार करके नाम देते थे, बहुत विचार करके ऐसे तैसे नाम नहीं देते थे पहले, अभी जैसे कलयुग युग में तो विदेश की हवा आकर के टुल्लू टुल्लू टिक्की टिक्की रिक्की टिक्की, हाँ, तो उल्टा पुल्टा नाम देते, नाम का बड़ा महत्व है, नाम का बड़ा महत्व, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को बारम्बार हम उसको बुलाते हैं ना, वो व्यक्ति को कान में वो नाम जाता है, और हमारे जिह्वा से वो नाम, जिह्वा से उच्चारण होता है वो नाम, इसलिए उसका बड़ा महत्व रखता है। इसलिए आप देखना, जो शादी का समय में जन्म पत्र मिलाते ना, क्यों मिलाते, कारण क्या है, जन्म पत्र मिलता कि नहीं मिलता, नाम से पता चल जाता ना, नहीं इसका जन्म पत्र नहीं मिलाते, नहीं मिल रहा इसे शादी मत दिया, क्यों नहीं देंगे, लेकिन जिंदगी भर झगड़ा करके आपस आपस झगड़ा करके संसार सही नहीं चले, तभी तो देते थे ना, इसे शादी करते थे, इसलिए पहले देखो शादी कभी टूटता नहीं था। अब देख लो, पहले आपको कभी डाइवोर्स का नाम सुने हो, डाइवोर्स नाम क्यों सुने, अभी इतना डाइवर्स क्यों होता है, ये सब कारण जो होता है, हम जैसे तैसे कोई बात नहीं है, चला दो काम चला दो, इसलिए ये सब बात को बहुत विचार करके ये नाम दिया जाता था, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए बोले देखो वसुदेव महाराज जी जा रहे हो ना, ऐसे एक नाम रखो जो मेरे साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए जब गर्गाचार्य नाम रख रहे थे, कृष्ण नाम पे रखे कृष्ण नाम, फिर उन्होंने क्या बोले, बोले प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तवात्मज, ये जो आत्मज, ये तुम्हारी जो बेटा है ना, ये कभी वसुदेव का भी एक बेटा बना है, इसलिए इसका क्या नाम होगा, वासुदेव एक नाम होगा, देखिए एक प्रमाण है, तथा और क्या प्रमाण है, हाँ, कि पशु पांग जाय नव मिड्यत अभर वपुसे पशु तरित अम्बराय, वहाँ पर पशु पांग, पशु मतलब जो पशु मतलब गैया को जो चराने वाले, उन कौन से नंद बाबा, वसुदेव तो थोड़ी गैया चरा सकते, नंद बाबा तो गैया चरा सकते ना, इनके अंग से जो प्रकट हुए कौन, श्री कृष्णचंद्र, यहाँ पर बोला देही नाम गोपी का सुत, इसको भी ये कर दो, देही नाम गोपी का सुत है, इसलिए ये एक है जब दुर्लभ, इसलिए कहते देही नाम गोपी का सुत, जो कृष्ण है गोपी का माँ जसोदा की, ये गोप कन्या का ये बेटा है, गोप कन्या कौन है, देवकी तो गोप कन्या नहीं ना,
मैया जसोदा गोप कन्या जो गैया चराने वाले गोप कुल मिचली गोपी का सुतश्री नंद की जसोदा की लाला है। और क्या है कहते क्रम दीपिका में बताया लोक मंगल नंद गोप तनय समीपित ये एक से नंद गोप तनय यहाँ पर कहते ये क्रम दीपिका नंद गोप तनय नंद जो गोप उनका जो बेटा कृष्णा कृष्णा बेटा है इसलिए ये सब प्रमाण देते हैं कृष्णा नंद नंदन कृष्ण इसका प्रमाण देते हैं। इसलिए उन्होंने पहले नंद बाबा जब आए आकर के बड़े खुश हुए देख करके बोले आज मेरे घर में जो लाला जन्म हुआ है ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही जन्म हुआ है पहले ये ब्राह्मण लोगों को बुलाओ ब्राह्मण लोगों को बुला कर क्या करो बाचयित्वम स्वस्थयनम इनको जरा स्वस्थी वाचन को पढ़ाई करो और जो जात कर्म उसका जात कर्म करो करके हाँ विधिवत पितृ देव और इनको पूजा सेवा करो जैसे जन्म होने पर जैसे हम मांगल्य के काम करते हैं पितृदेव की अर्चन करो। यहाँ पर बताए हाँ देखो यहाँ पर एक चीज को उदाहरण देकर कह रहे हैं जैसे कह प्रेम मिश्र संबंध मूलक जैसे भगवान के वसुदेव पुत्रत्व कहते वासुदेव का पुत्र है वसुदेव का पुत्र है वासुदेव है और विजय सखत्व इस चीज को समझो विजय सखत्व मतलब पता ना अर्जुन का ये सखा है कहते रुक्मिणी कांतत्व कृष्ण कौन है रुक्मिणी का कांत है ये जितना नाम ये ऐश्वर्य युक्त नाम है कृष्ण द्वारका में रहते हुए ये रुक्मिणी कांत है और कृष्ण द्वारका में रहते हुए विजय सखा है और वसुदेव पुत्र जब मथुरा में रहते हुए कहते ये नाम से जो मधुर नाम है बोले नंद्र प्रेम मूलक जो नाम नंद्र पुत्र तो अगर नंद के पुत्र बोलेंगे तो ये माधुर्य नाम है। कहते सुबला सखत्व एक तो विजय सखे अर्जुन का सखा है लेकिन उससे मधुर नाम क्या है कहते सुबल सखा क्योंकि जो सुबल सखा कल हुआ था लीला हुई थी सुबल सखा कृष्ण के सुबल सखा बने कौन बना था सुबल सखा है कि नहीं आजकल हाँ इसलिए कहते वहां सुबल सखा सुबल का जो मुंह और राधा रानी का मुंह देखने में एक ही रहता था इसलिए कभी कभी राधा रानी सुबल और सुबल राधा रानी का रूप धारण कर देती थी करके कृष्ण के साथ में वो मिलन होता था। कहते गोपी कांतत्व उधर रुक्मिणी कांत लेकिन ऐश्वर्युक्त लेकिन जब गोपी कांत बोलेंगे ये माधुर्य नाम है। जैसे उसी तरह यद्यपि कृष्ण मथुरे से कृष्ण है लेकिन जो नंदनंदन कृष्ण मथुरे से कृष्ण से जो नंदनंदन कृष्ण इसकी ज्यादा महत्व इनको है। कहते धेनु नाम युक्त प्रादान विप्रभ्य समलकृत तिलाद्रीन सप्तरंत सात कुंभावरावृतम पहले हम लोग ने श्रवण किया कैसे 20 लाख गैया को दान किया और 7 तीन की पर्वत को नंद बाबा ने दान किया है दान करके पहले सौ मंगल इंगिरो विप्रा सूत मागध बंदिन गाय कास्त जगो ने दुग्ध दुर्दुभायोर कृष्ण जन्म ग्रहण करने पर कहते वहां पर सारे ब्राह्मणों को बुलाए फिर वहां पुत्र मागध और बंदी ये तीन ये चीज को समझ कहते उसमें 3 लोगों को बुलाए किसको किसको बुलाए पुत्र मागध और बंदी ये 3 लोग को बुलाए कहते भैया उसको कहते हैं जो पौराणिक प्रोक्ता पुराण को जो आकर के विभिन्न पुराण को जो आकर के पढ़ता है उसको कहते हैं सूत है। कहते मागध किसको कहते हैं मागध उसको कहते हैं उनका वंशावलियों को जो वर्णना करता है अरे तुम्हारी वंश में कितने कितने बड़े बड़े ये नियम है अगर किसको कुछ भिक्षा चाहिए ना ये भिक्षा किसको चाहिए क्या करनी चाहिए अरे जैसे श्री श्री बामन देव आए बलिमान के पास में अरे बाबा तुम्हारे जो वंश में है ना हिरण्यकश्यप हुए हिरण्याक्ष जैसे बलवान हुए और कितने कितने बड़े बड़े महापुरुष तुम्हारे वंश हुए तुमको पता है उन लोगों ने भगवान को भी जब भगवान जी आए बोले क्या मांगना वो मांगो मेरे से भगवान को भी उन्होंने वरदान दिया तेरे वंश में अमुक अमुक उनको पढ़ा चढ़ा कर बोले ना सुनकर जो बलि मार के छाती भूल गया कभी ये नियम है अगर किसी से तुम भिक्षा लेने के लिए जाओ अगर उसको पिताजी के पिताजी यार पता है तुम्हारे वंश में कौन कौन जन्म हुए इतने बड़े बड़े दान स्कूल स्कूल खोल दिए कॉलेज खोल दिए
दुखी दरिद्र को इतने दान देते थे, तो उसी भरसे में अब तू देने के लिए कुछ नहीं है, हिचकते हो, दो दान दो। इसलिए नियम है, अगर कहीं दान लेने के लिए जाओ भाई उसको खूब बड़ा चढ़ा करके बोलो, जिसको सुन करके छाती इतना खुल जाए जो मांगते क्या चाहिए आपको, हाँ खुश होकर के दे दे, क्योंकि सब नियम है। इसलिए कहते हैं जो मागध है, ये लोग हैं जो आ करके उनकी वंशावलियों को वर्णना कर रहे थे, हमारे वंश में कौन कौन हुए हैं। कहते बंदी किसको कहते हैं, कहते बंदी उसे कहते हैं जो उपस्थित विषय है, मतलब नंदबाबा कैसे सबको निमंत्रण दिया, कैसे गोप गोपिया आकर दूध दही मक्खन लेकर के आए, और वहाँ पर कैसे खींच मच रहा है, कैसे आनंद हो रहा है, ये सब उपस्थित जो विषय को वर्णना करते हैं इसको कहते हैं बंदी कहते हैं। और वो लोग आकर के भैरी बजाते हुए बड़े सुंदर बजा बजाते हुए दूध दही बजाते हुए बड़े सुंदर उनकी गुणगान को सब कर रहे थे। इतने में नंदबाबा आ करके बोले देखो मेरे घर में तो लाला भय है, अभी ये लाला जो भय है अभी तक ब्रजवास किसको पता नहीं, उन्होंने एक नाई को भेज दिया, जाओ पूरा ब्रजमंड में भिजवा को छुटवा दो, मेरे घर में लाला भय सबके साथ उनका स्वागत करने के लिए आए। और नाई ने पूरा ब्रजमंडल में भिजवा पिटवा दिया, जब पिटवा दिया गोपियाँ क्या की थी, वो तो 6-6 महीना पहले 84-84 घर के लहेगा चुदन बना कर रखे थे, नंद के लाला बनेगा तो हम बधाई देने के लिए जाएंगे। जिस समय सबके सब गोपियाँ दूध दही लेकर के आ रहे हैं, ये की बड़े सुंदर लोग कोशिश करने के लोगों को याद करने के कौन से गोपिया गोपिया कहते गोप्य समिष्ट मणिकुंडल निष्कंठ, याद है ये श्लोक याद करना। ये गोपियाँ कैसे श्रृंगार की हुई थी और श्रृंगार करते हुए कैसे आ रही थी, बोले चित्राम्बरापति शिखा सुत वल्लभा वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजती विरजु व्याल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपिया कैसे श्रृंगार की हुई थी उसको वर्णना कर बोले गोप्य समिष्ट मणिकुंडल, कहते मणि को द्वारा बनाया जो कुंडल है गोपिया बड़े सुंदर कुंडल पहनी हुई थी, और जब आ रही थी ना कुंडल बड़ी जोर जोर से हिल रही थी, बोले क्यों, बोले तुम लोग कृष्ण को बधाई देने से पहले हम पहले बधाई दे, इसलिए जोर जोर से ये कुंडल हिल रहा था। बोले चित्राम्बरा वो जो वस्त्र पहनी हुई थी क्या, जैसे सोने की एम्ब्रॉयडरी की जो जरी की काम बड़े सुंदर सुंदर एकदम पतले कपड़े के ऊपर में बड़े सुंदर सुंदर उसमें हाँ बड़े बड़े चित्र अंकित कपड़ा पहनी हुई थी। पति शिखा च्युत माल्य, पहले पहले गोपियाँ क्या करती थी अपना, अभी आप साउथ में जाओगे ना अब देखोगे जितने माताएं शाम को जड़ फूलों की घर के अपना चोटी को फूलों से श्रृंगार करती है, हर माताएं देखोगे शाम को निकलती हैं मंदिर के लिए निकलेंगे और सबके चोटी में फूलों की माला देखोगे। इसलिए जब गोपियाँ आई है तो सुंदर फूलों की माला से अपना चोटी को बड़ी सुंदर श्रृंगार की थी, लेकिन श्रृंगार की तो लेकिन सीखा चुत माल जा, लेकिन उस जो फूल से एक एक फूल भी गिरते गिरते आ रहा था, इसलिए कथाकार कहते हैं इसलिए कहाँ गिर रहा था, बोले इनके चरण में, बोले चरण में क्यों गिर रहा था, इसलिए चरण में गिर रहा था जो व्यक्ति कृष्ण को बधाई देने जा रहे हैं उनके चरण की पूजा करनी चाहिए। अगर चोटी में रहेंगे तो 2 दिन बाद में उसको यमुना में बहा देंगे, अगर ब्रज रज में मिलेंगे कृष्ण बड़े होकर के ठुमुक ठुमुक करके जब ब्रज में चलेंगे उनके चरण की हमें चरण स्पर्श प्राप्ति होगी। कहते नंदा लय सबलिया ब्रज तीर बिरज जो ब्याल कुंडल पयो हार हार शोभा, और गले में बड़े सुंदर हार पहनती थी हैं, बड़े सुंदर हार जो कि उनके बक्ष स्थल को बड़े सुंदर शोभायमान कर रहा था। हज सब के सब आकर के क्या कर रहे थे, नंद बाबा और मैया जसोदा को बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, मैया जसोदा बधाई हो बोल करके उनको स्वागत सबके सब कर रहे थे। बोले चित क्या आशीर्वाद कर रहे थे, बोले हाँ जुग जुग जीवनी जसोदा मैया फेरो, उनको सब आशीर्वाद कर रहे थे, आशीर्वाद कर चिरकाल तुम राजा बन करके ब्रज में, चिरकाल तुम राजा बन करके रहो और प्रजा को पालन करो, और हरिद्रा तैल युक्त जल द्वारा सबके सब क्या करते अभिषिक्त कर रहे थे। इसलिए गोप्या परस्परम दृष्टा
दतिखिर घृता बुद्धि हसे चंत विलप्यंत नवनीत ची क्यूपो। इसलिए अपना परस्पर में कहते दही उसमें घी मिला करके हल्दी मिला करके हैं कहते एक दूसरे को ऊपर में लगा रही थी और उसको छिड़काव करा रही थी कहते और क्या कर रही थी विलप्यंत नवनीत ची सुखो। इसलिए ये उसमें मक्खन भी एक दूसरे को ऊपर लगा रही थी और मक्खन डेले को डेले उठा उठा कर एक दूसरे को ऊपर में फेंक रही थी मक्खन। हाँ पता था एक बूढ़ी मैया आई 100 साल की टोकर जिसका एक भी दांत नहीं तो एक देख रहे थे बोले भैया बड़े जोर से नंदमत तो है रहे एक टोक ने क्या क्या उठाया मक्खन की डेला मुंह पर लगने से मारे उसका तो एक दांत नहीं थी मुंह में लगा तो सीधा अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते कोई भूखे नहीं रहते हैं। इसलिए सब के सब आनंद ले रहे थे सब वहां पर और पीछे कोई आकर के बल पूर्वक कोई पीछे आकर के ना हैं कहते पिछल पंख के पति तो करते लग ले इतने वहां पर दूध दही इतने हो गया था एक एक फिसल फिसल करके एक दूसरे पर ऊपर गिर रहे थे और क्या बोल रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। सबके सब बड़े सुंदर भजन गा रहे थे बोले रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता वाचयत हरि व्याकस कंठाभरण भूषिता। कहते जो रोहिणी माता कहते रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। यहाँ पर कह रहे हैं ये जो रोहिणी माँ है ना ये बड़ी भाग्यवती बोले किस लिए भाग्यवती कहते नंद श्री वसुदेव महाराज का तो और स्त्रियां थी जैसे देवगी तो थी उन्होंने तो कृष्ण को प्रकट किया लेकिन आनंद क्या ले पाई नहीं अभी कारागार में बैठी और भी स्त्रियां थी लेकिन वो आनंद नहीं ले पाई। लेकिन आनंद कौन ले रही है रोहिणी क्यों रोहिणी अभी ब्रज में और क्या है बोले नंद गोपाल ही नंदिता ये नंद बाबा ने क्या किया सबको दान पुण्य से साड़ी बटे सबको साड़ी अलंकार दिया और रोहिणी मैया भी बड़े सुंदर साड़ी पहन करके अलंकार युक्त होकर के रोहिणी मैया भी वहां पर नृत्य कर रही नाच रही नंद हाँ बड़े सुंदर अलंकार के द्वारा भूषित होकर के क्योंकि अभी देखो और एक कारण बताते हैं कहते ये रोहिणी च महाभागा कई कई पर कथाकार बताते हैं कहते अभी 15 दिन पहले कृष्ण जन्म हुए बलदेव प्रभु जन्म हुए लेकिन जन्म से वो भी आंख बंद करके रखे बोले सर्वप्रथम अपना कान्हा को देख करके दुनिया को देखूंगा नहीं तो दुनिया को मैं देखूंगा नहीं। अभी सब लोग तो नाच रहे थे लेकिन रोहिणी मैया बैठ करके हैं बड़े दुखी होकर बैठे नंद बाबा ने देखा सबके सब यहाँ नाच रहे हैं लेकिन घर के सदस्य ही यहाँ पर नहीं जाकर देखा रोहिणी मैया तो गुमसुम होकर बैठी हुई बोले अभी तो माँ यशोदा ने बच्चे जन्म दिए अभी तो कुछ नहीं कर सकती हैं लेकिन अभी तुम घर का काम संभाल सकती क्यों अभी 15 दिन पहले श्री बलदेव प्रभु जन्म हुए घर में तुम दो ही तो स्त्रियाँ हैं ना अभी सारे काम को तो तुम्हें देखना पड़ेगा। अरे कम से कम लाला को आकर आशीर्वाद दे जब उन्हें बलदेव प्रभु ला करके कृष्ण के पास में सुला दी हैं इतने में जब बलदेव प्रभु ने देखा कृष्ण को सामने आ गया उन्होंने आँख खोल दी। इसलिए रोहिणी बड़ी प्रसन्न हो गई उसको भी रहा नहीं गया और भी ठुमक लगा करके नाचना वो भी शुरू कर दी। इसलिए यहाँ कहते रोहिणी बड़ी प्रसन्न हो करके रोहिणी क्योंकि ये नंद उत्सव को आनंद केवल यही ले रही है इसलिए कहते रोहिणी का महाभागा बल अतः ततः आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृतमान हरि निवासत्म गुणै रमा क्रीडन अभूत बढ़िया हो क्या कहे हैं फिर ततः आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृतमान जैसे कृष्ण जब ब्रज में जन्म हुए क्या हुआ जैसे गोपियां कहते हैं ना जय तीर्थिकम जन्मना ब्रज प्रयात सदि दैत दृष्टता दीक्षुता अभी कृष्ण जब जन्म हो गए इतने में कहते ना नंद बाबा इतने दान दिए ना
इतने दान नंदवा वीरे जवाहरात असलियों को ब्राह्मण लोग घटी बांध बांध करके ले नहीं पा रहे थे, उसकी कोने से धीरे 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 गिरते गिरते जा रहा था। इसलिए कहते रमा त्रिडा अभूत निरपकल हे परिखीत, ऐसे लग रहा था कि साक्षात रमा, यहाँ पर रमा कौन है, साक्षात श्री राधा रानी। अभी कृष्णा जन्म हो गया ना, माने राधा रानी आकर के राधा रानी की ये क्रीड़ा भूमि बन गई है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं, कहते यहाँ पर कहते थे विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं नंदोवा इतने अलंकार धेनु दान दिया ना, कोई ये कुबेर के लिए भी असंभव है। कहते वो कुबेर भी आया था, वो भी देख करके सर झुक गया, बोले भगवान मेरे को झूठ मूठ का कुबेर बना दिया है, कुबेर क्यों बनाया, नंदबाबा के पास में इतने संपत्ति, मेरे पास में भी इतने संपत्ति नहीं, और इतना संपत्ति कहाँ पर आ गया। जब कारण कहते हैं श्लोक को अच्छे से याद है, बोले तत्व आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान। कहते यहाँ पर जब कृष्ण जन्म हो गई, जहाँ पर भगवान कृष्ण जन्म हुए वहाँ पर किसी चीज को थोड़ी कमी हो सकती है, और कृष्ण जन्म लेने पर क्या हो गया, वहां पर बोले हरि निवास, ये भगवान की निवास स्थली हो गया। जब हरि जन्म ले लिया, राधा रानी कहाँ रही, श्री राधा रानी भी आ गई। अरे राधा रानी आदेश दे रिद्धि सिद्धियों को, इतने दान दिया जाए, जब तक ये दुनिया रहेगा पता चले नंद बाबा ने कितने दान पुण्य किया। एक खूब जी जी भर भर करके उन्होंने हैं उन्होंने दान दिया है। जब दान दिया अभी सबको दान दे करके, अभी श्री नंद बाबा सोच रहे हैं भैया अब अच्छे कोई काम करना ज्यादा विघ्न होता है, कोई शुभ काम करो अच्छे काम भी ज्यादा विघ्न है। अभी तक नंद बाबा ने बड़े उदास थे राज कार्य में, बोले क्यों, बोले इतने पैसा कमा कर किसके लिए रखते, बेटा तो है पिता माता बच्चों के लिए कमाते हैं ना, बच्चा खाएगा, लेकिन बच्चा तो है पिता किसके लिए इतना कमाएंगे, इसलिए बड़े उदास थे। फिर सोच रहे थे और उन्होंने कंस को, उन्होंने बड़े राजा बड़ा कंस है, कंस राजा बड़ा राजा है, सबके सब कंस को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उन्होंने बड़े दिनों से टैक्स नहीं दिया, सोच रहे थे मर जाऊंगा और कोई तो है नहीं। लेकिन जब कृष्ण जन्म हो गए ना, पता नहीं उनके मन में हिलोड़ आने लग गया, लाला बड़ा होएगा, शादी होएगा, घर में बहू आएगी, छम छम करके चलेगी है, फिर नाती पोती होएगी, पता नहीं उनको मन में कितने कितने भावना की हिलोड़ आने लग गया। फिर तो भैया कोई भी शुभ काम में ज्यादा विघ्न है, अब बोले ये कंस का मुँह पहले हमें बंद करनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किए, बोले गोपान गोकुल रक्षायाम निरुप्यम मथुराम गतम, कुछ गोपों को उन्होंने बोले तुम लोग देखभाल करो, मैं जा करके मथुरा में कंस को बड़े सुंदर सुंदर उपहार दे करके आओ, और पहले कंस का मुंह को बंद कर दो। उन्होंने वहां पर गए और उन्होंने उपहार दिया, जो उपहार दिया इतने में वसुदेव महाराज हर्ष में चिंता कर रहे, क्या चिंता कर रहे, अभी कंस का दूसरा प्लान किया है, कंस अभी क्या प्लानिंग कर रहा है, गुप्तचर लगा हुआ, देखो कंस करता है क्या, गुप्तचर एक एक बात ला करके वसुदेव को उन्होंने बताते। वसुदेव को पता चला कि जब ये है ना कंस ने पुतना को भेज दिया, ये पुतना को भेज दिया, और पुतना कहीं 10 दिन के अंदर में कहीं भी बाल नहीं जन्म लेगा उसको मारने के लिए। अरे नंद वसुदेव तो महाराज छाती तो दर्द दर्द, अभी कृष्ण जन्म है ना एक दो दिन हुआ है, अभी पता नहीं 10 दिन के अंदर में अब पुतना कैसे जैसे इच्छा वैसे रूप धारण करते हुए बच्चों को मार डाल दी, और सचमुच से उन्होंने बहुत सारे बच्चों को उसने मारी है। इसलिए इनके मन धड़कन धड़कन, हे भगवान मेरे लाला को कुछ नहीं हो जाए, मेरे लाला को कुछ नहीं हो जाए। इतने में जब श्री नंद बाबा आए, इतने में श्री वसुदेव महाराज को जो पता चला नंद बाबा आए हैं, इतने उन्हें नंद बाबा से मिले, मिल करके तब उन्होंने ये नहीं बताया कि कृष्ण मेरा बेटा है, इतने में ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। बोले देखो, तब नंद बाबा खुद कह रहे हैं, बोले देखो वसुदेव कंस ने तेरे 6 बच्चों को मार डाला, फिर सप्तम कोई एक बालिका हुई तो वो भी आकाश में उड़ गई, वो भी आकाश में उड़ गई है, आकाश में उड़ गई, बड़े दुख की बात है। इतने में श्री वसुदेव दोनों भाई लगते हैं ना, दोनों भाई लगते हैं है? कहते दो देवमिणी की दो पत्नी से एक एक वैश्य कन्या और एक क्षत्रिय कन्या, एक का दो पत्नी, एक से नंद बाबा जन्म हुए परजन बाबा और एक में उग्रसेन, इसलिए उग्रसेन इसलिए उनको दो मतलब ये दो भाई लगते हैं है? ये दो भाई लगते हैं, इसलिए जब दो भाई लगते हैं, इतने में श्री नंद बाबा से वसुदेव कह रहे हैं
कहते मैंने सुना क्या, हमारी बुढ़ापा में भी एक बच्चा जन्म हुआ है। बुढ़ापा में भी वो नहीं कह रहे मैंने राता रात रख कर गया, वो छुपा करके बाद में रख रहे हैं, पता नहीं चल जाएगा सब। मैंने सुना तेरे घर में भी एक बच्चा जन्म हुआ है। बोले हाँ, ये बूढ़ी उम्र में और भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे घर में भी एक बच्चा जन्म हुआ। इतने में वसुदेव महाराज कह रहे हैं, बोले नंदन भाई तुम यहाँ ज़्यादा समय मत रुका करो, तुम जल्दी जल्दी चले जा, जल्दी जल्दी चली जा, क्योंकि ये ब्रज में कोई अनहोनी हो सकती, क्योंकि पता ना पुतना गई है, ये पुतना गई बच्चों को मार, इसे जल्दी जल्दी तू चले जा। इतने में नंद बाबा ने, हे नारायण तेरी कृपा से बूढ़े उम्र में एक लाला भयो है, तू ही मेरे लाला को रखा कर, तू ही रखा कर सकता। मैं नारायण को चिंता करते करते अभी नंद बाबा कहाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं गोकुल में। बस उसको बाद में सुना पुतना कैसे मरी हुई, फिर हम कल सुनेंगे कृष्ण कैसे पुतना को, कृष्ण कैसे पुतना वध करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो ये साल का पहला दिन है, साल का पहला दिन है, आज हम लोगों ने कृष्ण कथा सुनी है। पहला दिन यही जाएगा ना, सारा दिन भी ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा ना, इसलिए क्या करना रोज रोज। देखो आज हमने 7 बजे तक कथा की, लेकिन मैं सोच रहा था 6:30 बजे कथा को हम विश्राम दे देंगे, आप लोग टाइम से घर में चले जाओ अपना घर का काम। लेकिन आप लोग कोई जल्दी नहीं आते, एक दो कोई आए नहीं, जब कथा सुनी फिर धीरे धीरे आप लोग आए। हम कोशिश करेंगे ये जो कथा को 6:30 बजे इसको विश्राम दे देने के लिए, क्योंकि आप लोग अपना टाइम से वापस जा सकते हो, जाकर घर का कामकाज कर सकते हो, ठीक है। और सब लोग आना, अकेले नहीं आना, ठंड भी हो रही है और अकेले नहीं आना, क्या करना अपना अड़ोसी पड़ोसियों को बुला करके लाना। कितना कितना लोग बुलाओगे, कोई आते नहीं ना, ये खुली आ आप ठीक से बोलते नहीं ना, इसलिए कोई नहीं आते, इसलिए सब रोज रोज आया करो, ठीक है ना, रोज रोज आप। किसका जन्मतिथि आज है, किसका सब सब तरफ खोल लिया, सब खोल लिया, इनको आशीर्वाद सब खोल देते, इनको आशीर्वाद फटाफट लाओ, ठीक है सब काम खुल गया, सब 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 एक एक फूल सबको दे दो, तो फूल लेकर सबको दे दो, बंद कर। अब तुम्हें सब